प्यारे फूडी फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ अर्चना दवे और आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी बाजरी वड़ा। और ये जो डिश है वो हम गुजराती जनरली ट्रेवलिंग में लेके जाते हैं, तो चलिए ये सुपर टेस्टी डिश हम भी बनाना शुरू करते हैं। मेथी बाजरी वड़ा के लिए हम लेंगे एक कटोरी भर के फ्रेश मेथी, उसी के साथ हम लेंगे 4 से 5 लहसुन की कली, लेंगे हरी मिर्च 3 पीसेस, हरी मिर्च का प्रोपोर्शन आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, और एक टुकड़ा लेंगे हम अदरक का। अब इन तीनों का हम फाइनली पेस्ट बना के रेडी करेंगे। ये लीजिए दोस्तों, मैंने पेस्ट बना के रेडी रखा है। अब हम मेथी को अच्छे से 2-3 बार वॉश करके उसको फाइनली चॉप करेंगे। उसके बाद हम पैन में थोड़ा सा तेल गरम करने रखेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच अजवाइन और 2 छोटी चम्मच व्हाइट तिल। लास्ट में ऐड करेंगे हम 1 छोटी चम्मच हींग। अच्छे से इसे सॉटे करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे हमारी कटी हुई मेथी। अच्छे से सॉटे करेंगे और इसमें डालेंगे हम बारी बारी से सभी मसाले। सबसे पहले डालेंगे हम अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट और इसे तब तक परखाएंगे जब तक कि इसका कच्चापन पूरी तरह से गायब नहीं हो जाता। सबसे पहले डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर हम इसलिए इसमें कम डाल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमने हरी मिर्च डाली हुई है। 1 छोटी चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें गरम मसाला 1/2 छोटी चम्मच, और ये टोटली ऑप्शनल है, नहीं डाला तो भी चलेगा। अच्छे से करेंगे सॉटे और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 गुड़ के पीसेस, ऐसे वाले 2 पीसेस, तो मैं इसे बारीक काट के इसमें डाल रही हूँ। लीजिए इसमें अब गुड़ भी ऐड कर देते हैं। मेथी बाजरे के वड़े थोड़े खट्टे मीठे हुए तो ही अच्छा उसका टेस्ट आता है, और ये गुड़ इसमें इसीलिए हम डाल रहे हैं। लेकिन अगर आपको मीठा कम पसंद है या नहीं पसंद है तब उसमें गुड़ स्किप कीजिए। लेकिन अगर ऑथेंटिक तरीके से बना होना हो आपको मेथी बाजरी के वड़े, तो गुड़ तो उसमें पड़ता ही पड़ता है। गुड़ की जगह पे आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेथी को हम इसीलिए इसमें सॉटे कर रहे हैं ताकि इसकी जो कड़वास है वो थोड़ी सी कम हो जाए और इसकी सस्टेनेबिलिटी ज्यादा बढ़े। ये फिर बड़े हमारे 4-5 दिन के लिए इसे कुछ भी नहीं होगा। अब इसे गुड़ को हम अच्छे से मेल्ट करते हैं, तब तक पकाएंगे। गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें 3 बड़ी चम्मच दही। ऐड कर देती हूँ दही और अच्छे से फिर से इसे मिक्स करेंगे। दही और गुड़ के वजह से जो हमारे बाजरे के वड़े हैं वो बहुत ही मस्त खट्टे मीठे बनेंगे और बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा, मजेदार इसका टेस्ट आएगा। अब मैं करती हूँ गैस का फ्लेम ऑफ और इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये मिश्रण थोड़ा ठंडा हो जाता है अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 कटोरी भर के हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको धनिया नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कीजिए, लेकिन धनिया अगर डाला ना तो जो हमारे वड़े हैं ना उसका मस्त ग्रीन कलर आएगा और वो टेस्टी भी लगता है धनिया इसमें। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इसे यहाँ पे छोड़ देते हैं। जैसे कि इसका नाम है बाजरी मेथी वड़ा, तो इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम ऑफ बाजरा। अच्छे से इसे हम छान लेंगे बाजरे को, अच्छे से छानेंगे। और इसके अंदर अब ऐड करेंगे हम 1/2 कटोरी भर के गेहूं का आटा, 2 बड़ी चम्मच भर के लूंगी मैं बेसन, और 2 बड़ी चम्मच भर के लेंगे हम मक्के का आटा। मक्के का आटा ऑप्शनल है, अब इसे भी हम छान लेते हैं इसके साथ। और इसमें हम डालेंगे हमारा मिश्रण बनाया हुआ, करती हूँ इसे मिक्स इसके साथ। और अब इसका हम आटा लगाएंगे। ऊपर से हमें कोई भी मसाले अभी ऐड नहीं करना है, सिर्फ एक नमक चेक कर लेंगे हम, नमक सही से है या नहीं है, बाकी कोई मसाले इसमें अभी डालने की जरूरत नहीं है। अच्छे से करेंगे मिक्स। ऐड करती हूँ पानी और इसे अच्छे से हम मसल के रेडी करेंगे, एकदम अच्छे से मसलना है। थोड़ा सा नमक मुझे इसमें कम लग रहा है तो मैं ऐड करती हूँ थोड़ा सा और नमक, तो आप भी टेस्ट करके देखिएगा कि खट्टा मीठा लग रहा है ना, और नमक परफेक्ट है या नहीं। अच्छे से फिर से मसलेंगे, उसके बाद इसे तेल से चिकना करके वापस 2 मिनट तक इसे हम नीड करेंगे। थोड़ा सा डालती हूँ ऑयल, फिर से इसे नीडिंग करते हैं हम।
एकदम मखमली डो बनना चाहिए हमारा मीडियम सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का। ये लीजिए, ये ऑलमोस्ट हमारा डो बनके रेडी है। देखिए अब इसे हम देंगे रेस्ट आधे घंटे के लिए ताकि सब मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर इसके बनाएंगे हम वड़े। बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये प्लास्टिक को करूंगी ग्रीस ऑयल के साथ, करती हूँ ग्रीस ऑयल से, और इसमें डालेंगे हम एक बड़ा वाला बॉल ऐसे। फिर इसको मैं बेलूंगी, इनको थिक ही बेलना है, इसे पतला नहीं बेलना है। इस तरह से प्लास्टिक को घुमाते जाइए, बेलते जाइए, ठीक है। अब इससे हमें काटना है ये कटर की हेल्प से। देखिए तो ये कटर मैंने लिया है, इससे मैं इसे काटूंगी। इस तरह से फटाफट बन जाते हैं। ठीक है, मैं आपको हाथ से करके दिखाती हूँ एक सैंपल। हाथ को ग्रीस किया, अब हाथ में लेंगे गोला, फिर इसे ऐसे दबा दिया बस, और इस तरह से आप रेडी कर सकते हैं आपके वड़े, ठीक है। ये दूसरा तरीका हुआ। और तीसरा तरीका है बनाने का कि आप चकले को थोड़ा डस्ट कर दीजिए, फिर उसमें आप गोला डालिए और गोले को ऐसे आप रोल करते चलिए। ये तीनों भी तरीके हैं, आप इसमें से कोई भी फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका हुआ, दूसरा हाथ से करने वाला तरीका हुआ, और तीसरा हुआ प्लास्टिक पे करने का। मैं कर रही हूँ प्लास्टिक पे क्योंकि इससे एकदम इक्वल शेप्स आएंगे हमारे सभी वड़े के, क्योंकि मैंने कटर यूज किया है। तो आप ये तीनों में से कोई भी एक फॉलो कीजिए। अब इस वड़े पे मैं थोड़ा सा लगाऊंगी पानी, क्योंकि इसपे हमको लगाना है ये व्हाइट तेल इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए। देखिए इस तरह से भी डालेंगे तेल सब पे, और इसे हल्के हाथों से हम दबा लेंगे, ठीक है। इस तरह से सभी वड़े रेडी करके फिर इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने सभी मेथी के वड़े बना के रेडी किए हैं। अब इसे हम करेंगे फ्राई। देखिए चलिए अब इसे करते हैं फ्राई। फ्राई में रखेंगे तेल गरम करने, और जैसे ही ये तेल गरम होता है उसमें हम फ्राई करेंगे हमारे वड़े। तेल हमारा गरम हो चुका है तो मीडियम फ्लेम पे इसे डालेंगे हम वड़े। गैस का फ्लेम मीडियम या फिर मीडियम टू स्लो ही रखना है, हाई फ्लेम पे इसे नहीं फ्राई करना है। अगर आपने इसे हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो होगा क्या ना कि आपके वड़े बाहर से तो अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से जब आप उसे खाएंगे तो आप उसको कच्चा महसूस करेंगे, कच्चा लगेगा अंदर से। तो अच्छे से आराम से इसे मीडियम टू स्लो, स्लो टू मीडियम इसे फ्राई होने दीजिए। अब करेंगे इसे फ्लिप और दूसरी साइड से इसे फ्राई करेंगे। सभी वड़ों को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, तो आराम से इसे कीजिए आप। ये अंदर से भी अच्छे से हमारे पकने चाहिए। जैसे कि हमने तेल को पानी से चिपकाया था तो हमारा तेल इसमें ज्यादा निकलेगा भी नहीं तेल के अंदर, और चिपका रहेगा वड़े के ऊपर। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट लॉट ऑफ मेथी बाजरी वड़ा बन के रेडी है। मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ कितने मस्त बने हैं ये। अब इसे हम निकालते अब हम सेकेंड स्लॉट रेडी करेंगे, और उस तरह से हम सभी वड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए और नजर से देखिए जी दोस्तों, हमारे वड़े बनके रेडी है मेथी बाजरी वड़े। होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए। मिलती हूँ आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।